यहां से सीधे लिए चलते आपको देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी सभा को संबोधित करते हुए। इसको देखकर मैं स्वयं को बहुत ही मंत्रमुग्ध महसूस कर रहा हूं। आज की इस रैतिक परेड ने मुझे मेरे बीते दिनों की याद दिला दी, जब मैं भी एनसीसी कैडेट्स के रूप में आप लोगों की तरह ही गर्व के साथ सीना फुलाकर कदम ताल करता था। होमगार्ड्स के जवान राज्य में कानून व्यवस्था को संचालित करने में एक बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। हमारा ये अर्धसैनिक बल हर वर्ष 6 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। होमगार्ड्स के जवान पूरे समर्पित भाव से जन सेवा और पुलिस को सहयोग करते आ रहे हैं। आपको जिस भी स्थिति में जिस भी मोर्चे पर तैनात किया गया है, आप सब ने उम्मीद से बढ़कर कार्य किया है। मैं इसके लिए आप सबको पुनः बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। होमगार्ड्स के जवान आवश्यक सेवाओं के सही संचालन से लेकर किसी भी आपात स्थिति से निपटने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में हमेशा उत्कृष्ट योगदान देते रहे हैं। आपको प्राप्त सीमित संसाधनों के बावजूद भी आपने हमेशा अपने दायित्वों का पूरी गंभीरता के साथ निर्वहन किया है और इसके लिए आप सभी सम्मान के पात्र हैं। ये आप सभी का हौसला है जो आपको सदैव सेवा करने की ओर प्रेरित करता है। आज की आपकी परेड को देखकर मुझे आपके भीतर का ये हौसला और दृढ़ होता प्रतीत नजर आया है। एक सैनिक पुत्र होने के नाते फोर्स और वर्दी से मेरी आत्मीयता बहुत गहरी है। मैं जब भी किसी व्यक्ति को वर्दी में देखता हूं तो निश्चित रूप से उसके प्रति मेरा सम्मान और अधिक बढ़ जाता है। मेरा बचपन सैनिकों के बीच में बीता है। मैं स्वयं एनसीसी का कैडेट रहा हूं। मेरा अनुभव भी आप जैसा ही है। शायद इसलिए मैं आपको, चुनौतियों और आपके भाव को बेहतर तरीके से समझ पा रहा हूं। हमारे प्रदेश में वो चार धाम यात्रा हो या फिर कुंभ का आयोजन हो, होमगार्ड्स के जवानों ने हर स्थिति में बेहद अहम भूमिका उनकी रहती है। होमगार्ड्स सुदूर पर्वतीय ग्रामीण अंचलों में भी पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर शांति व्यवस्था रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चाहे वो वर्तमान व्याप्त कोविड-19 महामारी की स्थिति हो या समाज के बीच उत्पन्न हुई कोई आपातकालीन स्थिति, आज चुनौती किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकती है। ऐसे में हमें हर स्तर पर हर तरह से इन चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम होना होगा। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम हमारी होमगार्ड फोर्स का लगातार विस्तार करने की ओर सोच रहे हैं। हमारा ध्यान आपको मिलने वाली ट्रेनिंग में और अधिक विस्तार देने पर भी है और राज्य में होमगार्ड्स के जवानों की संख्या अभी 6,500 है। हम निश्चित रूप से इसको भविष्य में इसको बढ़ाने की ओर निश्चित रूप से कदम बढ़ाएंगे। साथ ही होमगार्ड निदेशालय में समूह गौ के पदों पर होमगार्ड्स को 25% का आरक्षण भी तय किया जा चुका है। हमारी सरकार लगातार आपके सशक्तिकरण पर ध्यान दे रही है। फोर्स का सर्वांगीण विकास हमारी सरकार की योजनाओं का एक अहम हिस्सा है और हम पूरी गंभीरता के साथ इस ओर कार्य भी कर रहे हैं। मैं पुनः आपको भविष्य की बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार सदैव आपके साथ रहेगी। साथ ही समस्त होमगार्ड जिन्होंने इस वर्ष और पिछले वर्ष लगातार कोविड महामारी में आप सभी लोगों ने अपनी जान पर खेलते हुए लगातार लोगों को एक सेवा का कार्य किया है, लोगों की जान बचाने का काम किया है, हमेशा बढ़ चढ़ कर आपने सेवा भाव से काम किया है, इसलिए इस ड्यूटी में जो भी तैनात थे
उनको मैं 6000 रुपए का अलग से मानदेय देने की भी घोषणा करता हूँ। आज के अवसर पर पुनः, चूंकि आज सुंदर दिवस है, आज का ये बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, ये स्थापना दिवस है, मैं आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद महोदय। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां नागरिक स्थापना दिवस पर रोहतांग रोड पर सीएम धामी संबोधित कर रहे थे। होमगार्ड्स दिवस पर आयोजित रोहतांग रोड परेड में शिरकत की सीएम धामी ने, और होमगार्ड जवानों को वो संबोधित करते भी नजर आए, जहां उन्होंने उत्तराखंड में कोरोना को लेकर के भी बात की और साथ ही साथ किया कि किस तरीके से अब कोरोना से पार पाने के लिए धामी सरकार को और पूरे राज्य को सतर्क होने की जरूरत है।